बागेश्वर धाम में भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मोत्सव जो उन्हें मनाना है, और यही कारण है कि हजारों लाखों की तादाद में उनके भक्त पहुंच रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि एक बार वो खुद जाएं और जन्मोत्सव के दौरान वो अपने गुरु से मिले, और यही कारण है कि भक्त किस तरह से पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत भी करते हैं, कई भक्त हमारे साथ भी हैं। आपसे बात करते, कहाँ से आए आप? हम बस्ती जिले से आए हैं। जन्मोत्सव भी है गुरु जी का, कितने उत्साहित आप? बहुत उत्साहित हैं, बहुत 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 ही उत्साहित। खासतौर पर शुभकामनाएं देने के लिए? जी जी जी, हमारा फर्स्ट टाइम है पहले। आप कहाँ से? इंदौर से आए हुए। इंदौर से जन उत्सव मनाया जाएगा और इसी को लेकर उत्साहित भी हैं आप गुरु जी के लिए? बहुत सारे उत्साहित हैं, सभी लोग हैं, मैं अकेला क्या, बाकी सब जो इतने लोग आए हुए हैं सभी लोग उत्साहित हैं। आपसे बात करते हैं, आप बताएं आप कहाँ से आए? कानपुर यूपी से। अच्छा, यूपी से आए, यूपी में कहाँ से? जी कानपुर। तो गुरु जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए आए आप लोग? जी, गुरु जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और उनका आशीर्वाद मिल रहा है ये बहुत है। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से भक्त जो है वो उत्साहित है लगातार। आप कहाँ से? हम आपको देखते हैं। गुरु जी का जन्मोत्सव मनाने आए आप? क्या? गुरु जी का जन्मोत्सव मनाने? या। कितने उत्साहित हैं आप लोग गुरु जी के लिए? बहुत ज्यादा। जरा बताइए कैसे विश करेंगे, कैसे शुभकामनाएं देंगे? ये हमारे बाप है, बाप गर्व से कहते हैं बागेश्वर धाम हमारे बाप है। गुरु जी का जन्मदिन है कल, कैसी शुभकामनाएं देंगे गुरु जी को, देकर बताइए। हमारी खुद की उम्र उनको लग जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बिल्कुल, 4-5 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं गुरु जी का, कि गुरु जी मिल जाएंगे तो सबकी पीड़ा दूर हो जाएगी, पूरा दुनिया में उनका जय जयकार। हैप्पी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर बोलेंगे क्या गुरु जी को? हैप्पी बर्थडे टू यू, बताइए। हाँ बोलेंगे, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे, बताइए हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देख रहे हैं आप, एक गजब का उत्साह अपने गुरु को लेकर भक्तों में दिखाई दे रहा है, और सभी एक तरह से जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से, चूंकि बागेश्वर धाम में जब आप आते हैं तो काफी भीड़ भी जो है वो नजर आती है। कल गुरुजी का जन्मोत्सव है, कितने उत्साहित हैं आप लोग उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए? हम बहुत ज्यादा उत्साहित है, हमारे गुरुजी का जन्मोत्सव है तो इससे ज्यादा हमें खुशी और क्या हो सकती है। क्या खास रहने वाला है कल? वैसे तो हमेशा ही बागेश्वर धाम में खास ही रहता है, तो अभी देखते हैं कि पुष्प वर्षा की जाएगी गुरुजी पर। बिल्कुल। आप बताइए आप कितने उत्साहित हैं गुरुजी के जन्मदिन को लेकर? कुछ भी बता नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, अंदर से तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या ही, कोई शब्द नहीं है मेरे पास गुरुदेव के लिए बोलने के लिए, बाकी तो वो सब मालिक ही जानते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से भक्तों में उत्साह है गुरुजी के जन्मदिन को लेकर, और यही कारण है कि हजारों लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मोत्सव मनाने के लिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, बागेश्वर था।